हेलो मामाज एंड पापास, कैसे हैं आप सब। मैं शिल्पी, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्री चित व्लॉग्स में। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस जो मैं पोस्ट करती हूँ पसंद आते हैं, अगर आपको रेगुलर अपडेटेड रहना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए तो नेवर मिस एनी अपडेट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेबी का 7 मंथ ओल्ड रूटीन। जब वो 6 महीने की थी तभी मैंने उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करा दिए थे, और 7 मंथ में ऑब्वियसली वो पहले 1 मील में थी। अब मैंने उसको धीरे धीरे करके 2nd मील देना भी स्टार्ट कर दिया था, और फूड का जो टेक्सचर है वो भी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था ऑन माय डॉक्टर्स एडवाइस। बच्चे तो वो नॉर्मली प्यूरीज ही देते एकदम अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड करके, लेकिन इस वक्त मैंने 7 महीने उसका थोड़ा फूड टेक्सचर चेंज किया था, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Now let's get started. 7 महीने की जब मेरी बेटी थी तब वो सुबह 7 बजे ही उठ जाती थी, क्योंकि मैं 7 बजे उठती थी, मेरे हस्बैंड भी 7 बजे उठ जाते थे ऑफिस के लिए, तो वो भी 7 बजे जैसे ही हम उठते थे वो भी उठ जाती थी। तो ये एक टाइम था कि जब वो उठती थी और अपने पापा के साथ थोड़ा वो टाइम स्पेंड करती थी। 7 बजे जब वो उठती थी तब मैं उसको ब्रेस्ट फीड कराती थी। अगेन 10-15 मिनट्स में वो फुल हो जाती थी, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो काफी अच्छा हो गया था। अब 7:30 से लेकर 9 बजे तक वो खेलती थी। अगेन वो क्रॉलिंग कर रही है तो उसका अभी क्रॉलिंग का स्पीड हल्का सा बढ़ गया होता है। अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वो क्रॉल करना सीखी थी, इधर हाथ बढ़ाती थी उधर हाथ बढ़ाती थी अलग अलग टॉयज के साथ। फिर हम उसके मतलब जो दादा दादी थे वो भी आए हुए थे तो उनके साथ खेलती थी, तो एक बहुत ही अच्छा टाइम उसका निकल जाता था वहाँ पर। फिर 9 बजे मैंने उसको उसका फर्स्ट मील देना स्टार्ट किया, वो था बनाना मैश या फिर चीकू मैश। बनाना चीकू अच्छे से हैंड मैश करके मैं उसको खिलाती थी। ये था उसका फर्स्ट मील, क्योंकि मेरे को उसको है ना 2 मील्स दिन में देने थे, तो एक मील मैं उसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के हिसाब से उसको देती थी कि वो चीकू या बनाना दोनों में से कोई एक फ्रूट वो खाती थी। फिर 9:30 से 10 अगेन वो यहाँ वहाँ खेलती थी, एंड 10 बजे मैं उसको नहलाने लेके जाती थी। 10 से 11 अगेन उसके मालिश अच्छे से नहलाना, वो सारा पूरा ना शेड्यूल उसका चलता था। 11 बजे वो नहा के आके सो जाती थी, 11 से लेके 11:40 तक हल्का सा ब्रेस्ट फीड लेके, यानी 2-3 मिनट का ब्रेस्ट फीड लेके वो सो जाती थी। जब 11:40 को वो उठती थी तब मैं उसको उसका 2nd मील देती थी। इससे मैंने खाने के टेक्सचर में थोड़ा चेंज किया था, क्योंकि जब मैंने अपने डॉक्टर को विजिट किया था, डॉक्टर ने बोला कि उसके जो गम्स है वो स्ट्रांग हो गए, अब उसको पूरा प्यूरी फूड मत दीजिए क्योंकि उसमें फाइबर्स ब्रेक हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हैंड मैश्ड फूड दीजिए, यानी कि आप अच्छे से उसको बॉइल कर दीजिए खाने को, या फिर उसको स्टीम कर दीजिए, फिर उसको अच्छे से हैंड मैश कीजिए। डॉक्टर के एडवाइस है मैं जो एप्पल होता था या पम्पकिन या पियर्स या कैरेट जो भी मैं उसको देती थी वो मैं पहले अच्छे से स्टीम कर लेती थी, फिर उसको हैंड मैश करती थी, या फिर मैशर से अच्छे से मैश कर देती थी। थोड़ा सा भी दाना या थोड़े से भी लम्स ना रह जाए, वरना वो उसके गले में भी अटक जा सकते थे, ऐसा मतलब मैं थोड़ा डर लगता था, तो इसलिए मैं अच्छे से उसको हैंड मैश या मैशर से मैश कर देती थी। तो वो एकदम प्यूरी नहीं होता था, वो थोड़ा सा ऐसे टेक्स्चर उसका है ना दानेदार थोड़ा सा टेक्स्चर होता था जो वो खाती थी। तो अगेन उसको मैं है ना ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल मैशेस उसको देती थी जो वो 12 बजे खाती थी, 12 से 12:15, 12:30 के बीच में वो खा लेती थी। फिर अगेन उसके फादर आते थे तो उनके साथ वो खेलती थी, एंड वो एक अच्छा टाइम वो उसके उनके साथ बिताती थी। फिर 2 बजे मैं उसको ब्रेस्ट फीड दे के वापिस से सुला देती थी 5 बजे के लिए। 3 घंटे वो नॉन स्टॉप आराम से वो सोती थी। 5 बजे जब वो वापस से उठती थी तब मैं उसको वापस से ब्रेस्ट फीड कराती थी। फिर उस वक्त थोड़ा बारिश का मौसम भी था तो हम उसको ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट है ना रेनी सीजन है, उसके लिए उसको ठंड लग सकती है, बीमार भी पड़ सकती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाते। घर पर ही हम उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, उसके साथ स्टोरीज रीड करना, उसको अलग अलग गेम्स खिलाना, अलग अलग लोगों से बातें कराना, यही सब चीज़ें हम उसके साथ घर पर करते थे। 8 बजे मेरे जो हस्बैंड है उसके फादर जो है वो उसको वापस से मालिश कराते थे। इस वक्त हमने उसको बाथ कराना छोड़ दिया था, क्योंकि ठंड अचानक से बढ़ गई थी, रेनी सीजन है, उसमें बाथ कराना ऑब्वियसली नहीं करा सकते,
तो हम उसको अच्छे से मालिश करा दे देते हैं, तो उसकी जो बॉडी है वो वॉर्म रहे, उसको ठंड ना लग जाए। अगेन 8.5 से 9 वो सोती थी, वो उसका उधर पावर नैप हल्का से थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड लेके वो 9 बजे सोती थी, एंड 8.5 से 9 उसका एक पावर नैप लेती थी ब्रेस्ट फीडिंग लेने के बाद। उसके बाद 9 बजे जब होती थी अगेन हम है ना उसको कभी छत पे वॉक कराने लेके जाते थे, कभी अगर बारिश नहीं हो रही है कुछ थोड़ा सा ऐसा मौसम अच्छा है तो नीचे लेके जाते थे, या फिर घर पे उसके स्टोरी रीडिंग करते थे, एंड ऐसे करके टाइम निकल जाता था। बस ज़्यादा 10 और 10 बजे में उसको अगेन फॉर्मूला फीड, हमेशा से मेरी ऐसे मैं कह सकती हूँ पहले दिन से मैं उसको 10 बजे या रात का एक फीड मैं उसको फॉर्मूला देती ही आ रही हूँ। ये एक मतलब कंटिन्यू चीज़ है जो आज तक हो रही है, मेरी बेटी 14 मंथ्स की हो गई तब तक अभी भी मैं उसको रात को एक फीड फॉर्मूला तो देती हूँ। अभी तो वो काउ मिल्क पे आ गई, लेकिन पहले 1 साल तो उसको फॉर्मूला दिया है मैंने। तो 10 बजे मैं उसको फॉर्मूला फीड देती थी, और 10 बजे फॉर्मूला फीड लेने के बाद करीबन 10:30 बजे तक वो सोने के लिए तैयार हो जाती थी, और मैं उसको सुला भी देती थी। 10:30 बजे वो कम्प्लीटली सो जाती थी, एंड फिर वो उठती थी 2 बजे या 3 बजे जस्ट फॉर फीडिंग। रात में सिर्फ 2 बार ही वो उठती थी, या तो 2 बजे या 3 बजे एक बार उठती थी, या 5 बजे दूसरी बार वो उठती थी फीडिंग के लिए, क्योंकि उस वक्त उसकी नींद भी गहरी होना स्टार्ट हो गया था और वो एक प्रॉपर लैचिंग करती थी जिससे उसका पेट भी भरा हुआ रहता था। तो बस यही था मेरे बेबी का 7 मंथ ओल्ड रूटीन, जहाँ पे 2 मील्स मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा चुकी थी। देखिए आप अपने बच्चे के रश मत कीजिए कि उसको 1 मील 6 महीने में 1 मील तो खाना ही खाना है, 7वें महीने में 2 मील तो खाना ही खाना है, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे के रूटीन चेंज होते, कभी वो 1 मील लेते, कभी 2 मील लेते, कभी 3 मील्स लेते, कभी वापस से 0 पे भी आ जाते, जो मेरे साथ भी हो चुका है। वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको सॉलिड्स के वीडियोस में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीजीत ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच।